हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स, इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये जो चैप्टर है, जो स्टूडेंट आगे भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जो 10th के बाद नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं या फिर आर्ट्स विद मैथ रखना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में मैथ्स सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, इसमें जो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उसका आगे भी बहुत जगह पे और दूसरी ब्रांचेस में, मैथमेटिक्स की जो दूसरी ब्रांचेस है उनमें भी बेहद ज्यादा जो जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये चैप्टर बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर बात करें इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 की, तो एक्सरसाइज 3.1 पे जाने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने क्लास 9 में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, तो वहां पे हमारे पास क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और अब हमारे पास क्या आ गया, पेयर आ गया, पेयर। अब हमारे पास 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। इसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पढ़ा है, और जाना है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी इक्वेशन लें, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, या 3x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसमें जो x और y है, ये है वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स हैं, एक एक्स और एक वाई, और इसमें जो टू है, थ्री है, सिक्स, थ्री माइनस फाइव, टू थ्री सिक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन में थ्री माइनस फाइव सिक्स और जीरो भी, ये है कॉन्स्टेंट। ये वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, और कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अब तो टू ही रहेगा, चाहे हम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में डील करें, चाहे हम किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के अंदर डील कर रहे हैं, तो टू ही रहेगा, उसकी वैल्यू टू ही रहेगी। लेकिन जो एक्स है, एक्स की वैल्यू बदलती रहती है, किसी प्रॉब्लम में एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, किसी और प्रॉब्लम में एक्स की वैल्यू कुछ आएगी, तो इनकी जो वैल्यूज है वो बदलती रहती है। तो ये इसका जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट है इनका मीनिंग होगा, कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट होते क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन लिखी है टू वेरिएबल्स में। अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, इसके सॉल्यूशन की बात करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें एक्स की जगह पे वन और y की जगह पे टू पुट कर देते हैं। x की जगह पे वन और y की जगह पे टू पुट कर देते हैं, या फिर y की जगह पे आप पुट कर ले 4/3। हमने x की जगह पे वन पुट कर दिया और y की जगह पे 4/3 पुट कर दिया, तो देखिए क्या बनेगा, 2 × 1, x की जगह पे वन और y की जगह पे 4/3, 3 × 4/3 That is equal to 6. 2 × 1, 2 आ जाएगा, इस 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 6. 6 is equal to 6. तो ट्रू आ गया, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये जो x और y की वैल्यू है, सो x is equal to 1 एंड y is equal to 4/3, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 1 और 4/3 इज द सॉल्यूशन
ऑफ द गिवन इक्वेशन। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4/3 जब हमने रखी, x की वैल्यू जब 1 रखी हमने और y की जब वैल्यू हमने 4/3 रखी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो इसका मतलब जो ये x की वैल्यू है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये इसका सॉल्यूशन। अब अगर हम x की वैल्यू 4 रख दें, एक और केस ले रहे हम, x की वैल्यू 4 रख दें और y की वैल्यू रख रहे हैं -2/3, तो देखिए कितना बनेगा, 2 × 4 + 3 × -2/3 = 6। क्योंकि 4 के साथ करेंगे तो 8, इस 3 के साथ 3 कैंसिल, -2 है तो ये -2 = 6, तो 6 = 6, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब 4 और -2/3 ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक इसी तरह से अगर हम x की जगह पे -2 और y की जगह पे 10/3 रख दें, तो क्या मिलेगा, 2 × -2 + 3 × 10/3 = 6। 2 की -2 के साथ करेंगे -4, इसके साथ ये कैंसिल, प्लस के 10 = 6, 6 = 6, ये भी ट्रू है। x यानी कि हम लिख देंगे कि -2 और 10/3 ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वन लीनियर इक्वेशन की, अगर हम वन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं इन टू वेरिएबल्स, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब अगर हम इसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रखे, तो इसमें 2 × 1 = 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 आ जाएगा, 3 की 2 के साथ करेंगे 6 = 6, 8 = 6, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं आ रहा, ये ट्रू नहीं आ रहा। इट मीन्स इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि 1, 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो 1 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू जो 2 है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि x और y की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, x और y की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो सॉल्यूशन है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, जैसे इन 3 केसेस में आ गए, तो वो सॉल्यूशंस है उस लीनियर इक्वेशन के। और x और y की जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, वो सॉल्यूशन नहीं है उस लीनियर इक्वेशन के। ये अब जो ये सॉल्यूशन है, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहें या फिर हम इसको ग्राफिकली कहें, तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर कहां से मिला, अगर लाइन से, इट मींस जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि हमने 10th-9th क्लास में भी किया है, तो वो एक लाइन होगी। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक लाइन होगी, इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा। तो लीनियर मीन्स लाइन से रिलेटेड है ये, तो लीनियर मतलब यानी कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन मिलेगी हमें। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो सॉल्यूशन थे, जो ट्रू आए थे,
ये सारे के सारे इस लाइन के ग्राफ पे होंगे, यानी कि इस लाइन के ऊपर होंगे। और जो ट्रू नहीं आया, जो पॉइंट ट्रू नहीं आया, वो इस लाइन के ग्राफ पे नहीं होगा, यानी कि वो इस लाइन पे नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो हमने बात की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसमें वेरिएबल क्या है, उसमें कॉन्स्टेंट क्या है, क्या उसके सॉल्यूशन होते हैं और कौन से उसके सॉल्यूशन होते हैं और इनके सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। अब हम एक और क्वेश्चन से इसको ग्राफिकली थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसको ग्राफिकली अगर हमें समझना पड़े तो हम एक और लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं 2x + y = 4। हमने ये एक लीनियर इक्वेशन ली और हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा। तो हमें कोई भी लाइन अगर प्लॉट करनी है तो उसके अगर हमें दो पॉइंट पता है तो हम वो लाइन प्लॉट कर सकते हैं, उस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं अगर हमें टू पॉइंट्स का पता चल जाए। अब वो टू पॉइंट्स का पता लगाते हैं पहले, तो हम वो जो टू पॉइंट्स का पता लगाएंगे यानी कि वो टू सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो इसके टू सॉल्यूशन निकालने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि हम एक बार तो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x = 0। जब x 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो गया, 2 × 0 = 0, y रह गया वैसे हमारे पास, तो y = 4। तो यहां से हमें एक सॉल्यूशन मिल गया जिसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 0 और 4 पॉइंट है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब ठीक इसी तरह से पुट कर दो y = 0, y को जब 0 रखे ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 2x = 4, x = 4/2, 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब की बार हमें पॉइंट मिल गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, या फिर ये कह लें कि 2 सॉल्यूशंस मिल गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने जैसे 9th क्लास में इसका ग्राफ प्लॉट किया था, अब यहां पे रफ करें आप ग्राफ पेपर की सहायता से इसको कर सकते हैं। यहां पे हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लगा देते हैं। यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5 -1, -2, -3, -4, -5 और ये ओरिजिन 0, 0। ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, नेगेटिव के लिए डैश। ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्स पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको टोटल को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। अब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पे कहीं भी चले हम, चाहे चले जाए हम, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे कहीं भी चले जाए हम, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारा एक पॉइंट है 0, 4, x 0 है, तो x 0 तो कहां होगा, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होगा, x 0 हमेशा y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा, और y 4 है, तो x 0 तो इस पे होगा, तो y 4 ढूंढ लो कहां पे, यहां पे, यानी कि ये पॉइंट है हमारा कौन 0, 4, ये वाला। ठीक इसी तरह से x 2 y 0, y 0 x एक्सिस पे होगा, तो x 2 ढूंढ ले, x 2 यहां पे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हमने लिख दिया पॉइंट कैसा है हमारा, ये 2 और 0। तो अब जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये जो ग्राफ बना है वो इस लीनियर इक्वेशन का बना है।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, किसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये इसका ग्राफ हमारे पास आया। तो आप इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे इस काम को, स्केल की पेंसिल और ग्राफ पेपर की सहायता से आप इस काम को करेंगे। अब सपोज करो आप देखेंगे कि क्या क्या हम चेक करते हैं, क्या 0 0 इसका सॉल्यूशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्या 0 0 इसका सॉल्यूशन है। चेक करते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं, 2 × 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, या 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 0 इज इक्वल टू 4, नहीं 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो इसका जो ग्राफ है, इसके ग्राफ में 0 0 भी कहां है, 0 0 तो यहां पे है, तो 0 0 इसके ग्राफ में आ ही नहीं रहा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या 1 और 2 इसका सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो रख के देख लेते हैं, 2 × 1 प्लस y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 + 2 = 4, 4 = 4, यस इसका सॉल्यूशन है। यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो देखो x की वैल्यू 1 यहां पे, हम ऊपर जाएंगे तो यहां आ गया, और y की वैल्यू 2 यहां पे आएंगे, तो ये यानी कि यहां पे ये पॉइंट है x1 और y2। तो ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब कोई भी पॉइंट किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो पॉइंट उसके ग्राफ पे है, और अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब वो पॉइंट उसके ग्राफ पर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो उसको हम जनरल फॉर्म में जब लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है। इसमें जो a, b, c है वो रियल नंबर्स हैं, एंड a और b दोनों 0 नहीं होंगे, 1 हो सकता है, a एंड b बोथ नॉट 0। या फिर एट लीस्ट 1 of A and B इज नॉन जीरो, इनमें से कम एक नॉन जीरो हो, ए और बी में से दोनों के दोनों 0 ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास, इसमें ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ए एंड बी नॉट बोथ 0, तो दोनों के दोनों 0 नहीं है, मींस 1 0 हो सकता है, और क्या आपका दोनों ये दोनों नॉन 0 हो, लेकिन दोनों 0 नहीं होंगे। अब देखो दोनों अगर 0 हो गई तो ये भी पार्ट 0 हो गया, ये भी पार्ट हो गया, तो कॉन्स्टेंट ही बचा, तो वेरिएबल्स तो बचा ही नहीं, इसमें कोई वेरिएबल तो रहा ही नहीं कोई, हाँ 1 0 हो सकता है, यानी कि इसके एग्जाम्पल जैसे ऐसे भी हो सकता है, 2x + 3y + 6 = 0, एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2x + 5 = 0, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 3y + 7 = 0। अब देखो इसमें यहाँ पे x और y दोनों टर्म है, यहाँ पे सिर्फ x है और कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे y और कॉन्स्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पार्ट में हमारे पास क्या हो गया होगा, इस पार्ट में a और b दोनों नॉन जीरो है, यहां पे b वाला पार्ट यानी कि b यहां पे 0 हो गया, यहां पे x वाला पार्ट गायब है, यानी कि a हमारे पास यहां पे 0 हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये भी 3x + 4y = 12, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, बस हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिख लेते हैं कि जितने भी पार्ट है वो सारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 0 रख लेते हैं, तो ये भी अलीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जनरल इक्वेशन की बात करें तो हम इस फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने इस वीडियो में बेसिकली अभी तक दो बातें की है कि एक तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, वन इक्वेशन के उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं और उसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई बार हमें इक्वेशन दे रखी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लीनियर इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती है। सपोज करो ये आपके पास एक कंडीशन है कि द कॉस्ट ऑफ टू क्रिकेट बैट्स एंड फाइव क्रिकेट बॉल्स इज ₹450। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। इसको हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ टू क्रिकेट बैट्स एंड फाइव क्रिकेट बॉल्स इज ₹450। इसको एल्जेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बैट इज इक्वल टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बॉल दैट इज इक्वल टू ₹Y, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन है टू क्रिकेट बैट्स है, वन क्रिकेट बैट की कॉस्ट ₹X है, तो टू क्रिकेट बैट की जो कॉस्ट होगी वो ₹2X होगी, फाइव क्रिकेट बॉल्स, वन क्रिकेट बॉल की जो कॉस्ट है वो ₹Y है, तो फाइव की कितनी हो जाएगी ₹5, इनको जो प्लस कर देंगे टोटल बिल आ जाएगा और वो कितने रुपीज है ₹450, तो उसको ₹450 के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हमने जो ये प्रॉब्लम थी, जो स्टेटमेंट दी हुई थी, इसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको जब हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से हमने इसका ग्राफ बनाया था, इस तरह से इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक। यहां तक तो हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो चैप्टर थर्ड है एक्सरसाइज 3.1 है, उसके लिए बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। और उसके लिए बेसिक क्या है, उसके लिए जो बेसिक है हमारा वो कुछ इस तरह से है। अब की बार वन लीनियर इक्वेशन नहीं है, पेयर है। क्या है, पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि टू लीनियर इक्वेशंस है और उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे और उसके ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। यहां पे हम उसके ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इसको समझते हैं। तो यहां पे जैसे वन वेरिएबल के लिए सिचुएशन रहेगी, उसी तरह से टू के लिए चलेगी। इसको एक स्टेटमेंट से समझते हैं। जैसे हम यही स्टेटमेंट ले लेते हैं कि इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ टू क्रिकेट बैट्स एंड फाइव क्रिकेट बॉल्स आर
इज 450 रुपीज एंड एक सिचुएशन तो ये है और दूसरी है एट द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बैट एंड टू क्रिकेट बॉल बॉल्स इज रुपीज 200 इज 200 रुपीज एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन या गिवन कंडीशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास कंडीशन वन नहीं है, कंडीशन टू है। कंडीशन वन होगी तो वन लीनियर इक्वेशन मिलेगी और कंडीशन टू होगी तो आपके पास टू लीनियर इक्वेशन आपको मिलेंगे। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जैसे इसका अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बैट दैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बॉल दैट इज इक्वल टू वाई रुपीज देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास फाइव क्रिकेट बैट यानी कि 5x हो जाएगा। जब वन की कॉस्ट क्रिकेट बैट की x है तो 5 की 5x सॉरी टू हमारे पास क्रिकेट बैट्स है 2x और 5 क्रिकेट बॉल है 5y। इनका जो टोटल कॉस्ट है वो है 450। एक कंडीशन होगी, दूसरा कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बैट की कॉस्ट x ही बनेगी और टू क्रिकेट बॉल यानी कि 2y, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है 200 रुपीज। ये आ गया सेकेंड। तो ये हमारे पास आया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जो कंडीशन हमें दी हुई थी उसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस कंडीशन को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने, जैसे हमने पीछे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमें क्या करना है, पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहां पे जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास ग्राफ के लिए थ्री सिचुएशंस हो सकती है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है जब आपने इसका ग्राफ बनाया, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हों। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है आपने एक लाइन प्लॉट की, दूसरी लाइन मान लो उसके पॉइंट ये थे और दूसरी लाइन के पॉइंट ये थे, जब आपने इसको प्लॉट किया तो दूसरी लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ गई। तो ये थ्री सिचुएशंस हो सकती है आपके पास, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड और थर्ड। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये थ्री सिचुएशंस आपके पास हो सकती है। दोनों लाइनें आपको आपस में इंटरसेक्ट करें तो यहां पे इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, या एक दूसरे के पैरेलल हो यानी के पैरेलल लाइंस। और तीसरा क्या
हो जाएगा हमारे पास एक लाइन दूसरे के ऊपर है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जो लाइंस है आपस में कोइंसाइड करें, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये थ्री केसेस आपके पास हो सकते हैं जिसकी हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहां पे हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सिचुएशन है हमारे पास, कोई कंडीशन है, उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हम लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका क्या मीनिंग है, जो कोई कंडीशन है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो सकता है, थ्री वेज से हो सकता है, थ्री टाइप से उनका ग्राफ हो सकता है, इनमें से किसी भी पेयर का आप ग्राफ बनाएंगे तो इन तीन सिचुएशन में से कोई सी एक सिचुएशन, यानी कि इन तीनों में से किसी एक टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, या तो टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होगी, मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, हमें एक ही नजर आएगी। तो ये हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिक किया है, जो कि एक्सरसाइज 3.1 के लिए बेहद जरूरी है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।